पाई है अलराम्स हेयर क्लींस। फ्रेंड्स, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन वीडियो की आपकी बार बार मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने ये न्यू वीडियो आज फिर से बना दी है। सो और वीडियो के अंदर जो क्लीन करने का तरीका है, हेयर रिमूव करने का तरीका है, ये बिल्कुल पार्लर में होने वाला तरीका है। एंड आज मैं आपको घर बैठे अलराम्स हेयर क्लीन करना बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, वैक्स के लिए सभी डिपेंड होते हैं पार्लर पर। पार्लर में सभी लोग अलराम्स वैक्स कराते हैं, बिकॉज अलराम्स बॉडी का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, और पार्ट पर वो ही वर्क करता है जिन्हें अच्छे से नॉलेज होती है या अच्छे से जानकारी होती है, वो ही अलराम्स को क्लीन कर पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी कमी के कारण अलराम्स जब क्लीन करते हैं तो उस एरिया पर ब्लड आ जाते हैं, यानी कि हेयर रिमूव होते हैं, हेयर रिमूव के साथ साथ स्किन होती है वो भी वहां से निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, अलराम्स को जब क्लीन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली होके क्लीन किया जाता है। एंड इसके वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सी वो प्रोसेस जिससे कि आप घर बैठे बहुत ही अच्छे से बिल्कुल पार्लर जैसे क्लीन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दिया करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें हम लेने वाले हैं। मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कोल्ड वैक्स, जो आप देख सकते हैं, एंड साथ में मेरे पास है वैक्स हीटर जिसमें मैं गर्म करने वाली हूँ। बट अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप डायरेक्ट उसे गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। हमारी वैक्स गर्म हो जाती है तो वहां पर हम लेते हैं वैक्स नाइफ, वहां से वैक्स नाइफ की हेल्प से हम वैक्स को उठाते हैं। अगर आपके पास वैक्स नाइफ नहीं है तो आप स्पून की डंडी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है पूरा तरीका, आप घर बैठे यदि आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप इनको लेकर अलराम्स के हेयर्स क्लीन कर सकते हैं। जो तरीका है वीडियो में दिखाया जाएगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, अलराम्स पे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले लगाना होगा टैल्कम पाउडर, क्योंकि टैल्कम पाउडर लगाने से यदि स्किन पे जो भी मॉइस्चर है, जो भी नमी है, वो कंट्रोल में आ जाती है। तो यहाँ पर हमने टैल्कम पाउडर को सबसे पहले अप्लाई किया है। एंड अब बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप पर। तो हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर हमने वैक्स ली है, नाइफ में वैक्स लगी हुई है, गर्म है ये वैक्स। तो यहाँ पर हमने इस वैक्स को हाफ जो हेयर्स है उनमें हमें लगा लेनी है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हाफ हेयर्स पर हमें वैक्स को अप्लाई करना है हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जब हमारी यहाँ पर वैक्स अप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर अब हम लेते हैं वैक्स स्ट्रिप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वैक्स स्ट्रिप हाफ की हुई, यानी पूरी एक लॉन्ग पट्टी थी, मैंने इसको बीच में से कट कर दी है और छोटी कर दी है। और आप यहाँ पर हमें वैक्स स्ट्रिप रखने के बाद हमें इस तरह प्रेस करना है एक दो सेकेंड के लिए, और उसे थपथपाना है, एंड झटका लगाते हुए हमें यहाँ से अच्छे से निकाल देना है, यानी कि खींच लेना है कुछ इस तरह से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हाफ हेयर्स पर जो वैक्स लगी थी तो हाफ जो हेयर्स है वो निकल चुके हैं। एंड यहाँ पर जो हाथ रखा हुआ है इसका थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, जिनके हेयर्स निकल रहे हैं उनको, इसी वजह से हाफ हाथ रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप पर बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं जो बचे हुए हाफ हेयर्स है उन पर मैंने फिर से वैक्स को लगाई है, एंड वो भी हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाई हुई है। वैक्स स्ट्रिप यहाँ पर रखी है, उसे अच्छे से प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद हमने फिर से थपथपाया है, एंड उसके बाद हमें फिर से एक झटका लगाते हुए यहाँ से हमें पट्टी को हटा लेना है कुछ इस प्रकार से। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ के जो हाफ हेयर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और कुछ जो बचे हुए वैक्स लगी हुई है तो बार बार मैं पट्टी लगा के इसलिए निकाल रही हूँ कि वो वैक्स भी निकल जाए। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप पर मैं यहाँ पर वैक्स लेती हूँ और पूरे यानी कि फुल अलराम्स पर वैक्स को लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें फिर से वैक्स स्ट्रिप लेनी है और उसे फिर से रखना है, और अच्छे से हमें चारों तरफ से प्रेस कर लेना है, एंड प्रेस करने के बाद हमें थपथपाना है और उसे फिर से एक झटका मारते हुए अच्छे से हटा देना है।
ये देखिए गाइस, अब ये थर्ड प्रोसेस में हमारे जो अंडरआर्म्स के हेयर्स है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं, एक भी हेयर्स अंडरआर्म्स में नहीं है, अच्छे से हेयर्स हमने क्लीन कर लिए हैं। ये तीन स्टेप के अंदर अंडरआर्म्स के हेयर क्लीन हुए हैं। तो इसी तरह से आप अच्छे से अंडरआर्म्स को घर बैठे क्लीन कर सकते हैं। और जब हमारा फर्स्ट अंडरआर्म्स क्लीन हो जाता है तो ठीक यही प्रोसेस हम नेक्स्ट अंडरआर्म्स पर भी दोहराएंगे। यहाँ पर भी हम सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज जो अंडरआर्म्स क्लीन हो रहे हैं तो इनके अंडरआर्म्स काफ़ी लाइट है। लाइट अंडरआर्म्स होने के बाद भी हम इसे तीन प्रोसेस से यानी कि तीन स्टेप्स के द्वारा हम हेयर्स को क्लीन कर रहे हैं। इस प्रोसेस से यदि आप कितने भी हैवी कितने भी ज़्यादा हेयर्स वाले अंडरआर्म्स के हेयर्स भी क्लीन करते हैं तो उनके भी अच्छे से हेयर्स क्लीन हो जाते हैं, एक भी हेयर्स नहीं रहते अंडरआर्म्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तरीका बताया जा रहा है आप किसी भी तरीके के अंडरआर्म्स पर इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाला वन साइड नीचे वाली साइड हमने पहले वैक्स लगाई है एंड उसके बाद हम हाफ हेयर्स क्लीन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। और वीडियो आपको कैसी लगी आज की, और ये जो वीडियो है आज कमेंट के द्वारा आपके जरूर कई बार इस वीडियो के लिए कमेंट आए हैं तो आज फाइनली इस वीडियो को बनाई गई है। और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, पहली वाली वीडियो पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड ये जो नेक्स्ट वीडियो बनी है तो इस वीडियो को भी प्लीज़ आप उतना ही प्यार दें। और आप देख सकते हैं अब इस तरीके में ऊपर के जो हेयर्स है वो क्लीन किए जा रहे हैं, हाफ जो अंडरआर्म्स बचे हैं उन पर वैक्स लगाई जा रही है एंड वैक्स लगने के बाद हमें वैक्स स्ट्रिप को रखना है और अच्छे से प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, अंडरआर्म्स हेयर क्लीन करने पे हमें एक बहुत ही ज़्यादा मोस्टली बात जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, उसको मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अंडरआर्म्स के हेयर्स क्लीन करें तो जो हमारी गरम वैक्स है उसे डायरेक्ट कभी भी सीधे अंडरआर्म्स पर नहीं लगानी है। लगाने से पहले हमें अपने हैंड पर टच करके चेक कर लेनी है कि हमारी जो वैक्स है उसका जो टेम्परेचर है वो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो पहले आप वैक्स को नॉर्मल कीजिए, ठीक कीजिए, उसके बाद उसे अंडरआर्म्स पर अप्लाई कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अंडरआर्म्स पर कभी भी आपको जो है बर्न वाली प्रॉब्लम होती है, स्किन जलने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो गाइस, दूसरी बात, अगर आपको मैं बहुत जो है इम्पोर्टेंस है वैक्स अंडरआर्म्स वैक्स करने के लिए वो बताने जा रही हूँ, वो बात है हमारी जब भी हम अंडरआर्म्स वैक्स करते हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो हाथ पीछे की तरफ है वो बहुत ही अच्छे से खिंचवाया हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे से उसको पीछे की तरफ खींचा हुआ है ताकि स्किन अच्छे से खींचे और हमारा जो स्ट्रिप से जो वर्क चल रहा है, वैक्स जो हेयर्स निकालने का जो प्रोसेस चल रहा है वो इजीली निकल जाए। अगर आप लूज स्किन पर पट्टी लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं और हेयर क्लीन करते हैं तो इस प्रोसेस से आपके अंडरआर्म्स के जो हेयर्स के साथ साथ स्किन निकलने के भी चांस हो जाते हैं, आई मीन स्किन पर ब्लड भी आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप अच्छे से अंडरआर्म्स करना चाहते हैं तो उन बातों को फोकस कीजिए, उन बातों को ध्यान रखिए, तो आप बहुत ही अच्छे से आप घर बैठे नीट एंड क्लीन अंडरआर्म्स कर सकते हैं। सो ये है मेरी आज की वीडियो। लास्ट में हमने अंडरआर्म्स गीले कपड़े से वाइप कर लिए हैं और आप इसके बाद मॉइस्चराइजर क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो का तरीका। अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे से शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं।
और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के साथ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।